ये रिश्ता क्या कहलाता है, शो की नियति जोशी का फूटा शहजादा धामी पर गुस्सा। बिग बॉस सीजन 18 में जाते ही शहजादा धामी ने लगाए राजन शाही पर बड़े आरोप, नियति ने किया पलटवार। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों बिग बॉस सीजन 18 में जाते ही पहला सबसे बड़ा जो रीज़न था शहजादा का, वो ऑब्वियस सी बात है, वो अपने आप को प्रूफ करेंगे, अपने आप को बताएंगे कि क्या उनके साथ हुआ था जिसके चलते राधन शाही वॉज अ टेकन अ बिग स्टेप और उनको शो से निकाला गया, 150 यूनिट के सामने उनको ह्यूमिलेट किया गया। ये बातें कही है शहजादा धामी की तरफ से बिग बॉस सीजन 18 में। लेकिन अब नियति जोशी जो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है शो की एक्ट्रेस हैं और आप भी ये रिश्ता से जुड़ी हुई हैं, उनका साफ कहना है कि राधन शाही और उनकी पूरी टीम सही है, बहुत ज़्यादा ईगो और एटीट्यूड आपको ले डूबता है। शहजादा धामी को लेकर नियति ने कहा कि बिग बॉस में जाकर भी मैं देख रही हूँ कि शहजादा वो दिन को नहीं भुला पाया है और शायद वो कभी भुला भी ना पाए। राधन शाही तो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें इस कॉन्ट्रोवर्सी से इतनी छोटी मोटी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 150 यूनिट के सामने अगर आपको ह्यूमिलेट किया गया तो गलती कहीं ना कहीं आपकी भी होगी। नियति ने कहा कि वो मुझे नहीं पता कि ऑब्वियसली बात क्या हुई थी, लेकिन मैंने जितना ऑब्जर्व किया है शहजादा बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहता था और उसके साथ साथ मुझे प्रतीक्षा के लिए भी बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसके साथ ही प्रतीक्षा को भी शो से निकाला गया था। नियति ने कहा कि जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि आप किसी को कुछ नहीं समझते हो और सेट पर अगर ये चीज़ें करते हो तो इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मेकर्स जो हैं वो आप पर क्यों पैसे लगाएंगे, वो आप पर क्यों चांस लेंगे, मेकर्स के सामने अगर आप एटीट्यूड दिखा रहे हो इट वॉज नॉट टॉलरेट एट ऑल। नियति जोशी ने कहा कि शहजादा धामी ने कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश की है और अब बिग बॉस में जाकर वो राधन शाही के पूरे सेट और पूरे के पूरे टीम पर ही वो गलत आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल के लिए नियति जोशी का साफ कहना है कि राधन शाही ने जो भी किया है शहजादा धामी के साथ वो सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड, ईगो और एक बड़े कैरेक्टर मिल जाने की वजह से, रातों रात किस्मत चमक जाने की वजह से शहजादा धामी जो है वो अपने फेम को नहीं संभाल पाए। फिलहाल आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या आप भी नियति जोशी की बातों से सहमत हो या फिर आपको लगता है कि जी नहीं, शहजादा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी ज़रूर सुनना चाहिए। राधन शाही को भी लगातार एक एक करके एक्टर्स झटका दे रहे हैं तो दाल में काला ज़रूर कुछ ना कुछ है। मैं जानना चाहूँगा आप सभी का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।